साथियों नमस्कार, जय उत्तराखंड। मैं लाल सिंह बिष्ट वन यू के टीम से। मेरा उत्तराखंड हमारा उत्तराखंड, जो हमारे आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ाकर हमें दिलाया है, उसकी हालत आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दयनीय है। मैदानी जिलों को छोड़कर समस्त पहाड़ी जिलों में गांव के गांव खाली हो गए हैं, वीरान हो गए हैं, खेत खलियान सब बंजर हो गए हैं। जानते हैं क्यों और किस कारण से? तो जानिए कारण। नंबर एक कारण, रोजगार स्वरोजगार का अभाव। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में से उत्तराखंड में 23% बेरोजगारी है, अतः सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उत्तराखंड राज्य में है। कारण नंबर दो, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और थोड़ी बहुत जो भी नाम के लिए हैं उनकी खस्ता हालत, ना ही डॉक्टर और ना ही दवाइयाँ। कारण नंबर तीन, अच्छी शिक्षा का अभाव, सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय। कारण नंबर चार, सड़कों का अभाव, परिवहन व्यवस्था की खस्ता हालत। कारण नंबर पाँच, प्रतिनिधि नेताजी वोट लेने के बाद 5 साल तक पहाड़ों से नदार, फिर 5 साल बाद चुनाव के समय जनता से भारी भरकम वादे कर वोट मांगकर फिर देहरादून दिल्ली के लिए रुखसत हो जाना। भाई और बहनों, जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है, तो आम जनता क्या करे? उनके पास पलायन होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या उत्तराखंड की मांग हमारे आंदोलनकारियों ने इसलिए की थी? हमारे सपनों का उत्तराखंड यही है, जिसकी हालत आज बद से बदतर हो गई है। आम जनता का प्रतिनिधियों नेताओं से भरोसा उठ गया है। आम जनता की सभी जनप्रतिनिधियों नेताओं के प्रति एक ही सोच है कि ये लोग केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कभी नज़र नहीं आएंगे। हम लोग तथा आम लोग निराश हताश हो गए हैं, इसलिए हम उत्तराखंड की समस्त जनता को आह्वान करते हैं कि जागो जागो जागो। कब तक इनके हाथों की कठपुतली बनते रहोगे? इसलिए उठो और आओ अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सामाजिक संस्था वन्यू के साथ मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। हमारी संस्था ने उत्तराखंड के लोकहित के लिए 3 मांगें उत्तराखंड के सभी माननीय विधायकों, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को मेल, ट्विटर, सोशल मीडिया के माध्यम से भेजी थी। वह मुख्य मांगे ये हैं। मांग नंबर एक, उत्तराखंड में एक परिवार से एक सदस्य को नौकरी, जैसा कि सिक्किम राज्य में मिलती है। मांग नंबर दो, उत्तराखंड में मूल निवास आधार वर्ष 1950 होना चाहिए, जिसके आधार पर वहां के मूल निवासियों को 80% यानी 80% नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, जैसे कि अन्य राज्यों में है। मांग नंबर तीन, उत्तराखंड राज्य में हिमाचल प्रदेश जैसा भू कानून होना चाहिए, जिसके आधार पर वहां के मूल निवासियों का ही भूमि पर अधिकार हो, अन्य बाहरी लोगों को लीज पर भूमि दी जाए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तराखंड सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अब समय आ गया है जागने का, जागरूक होने का। अपनी जागरूकता 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत जनप्रतिनिधियों को दिखाएं और एक सशक्त खुशहाल उत्तराखंड बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। लाल सिंह बिष्ट, समाजसेवी, वन यू की टीम से।